रिया चक्रवर्ती बहुत शातिराना टाइप की लड़की है, ठीक है, इसको छोड़ा है, जमानत दी है, सशर्त जमानत है, ये सजा से मुक्ति नहीं है। ये जो खुश हो रहे हैं कि अब ये छूट गई तो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं जाएगी, ये छोड़ने के पीछे आपको बता रहा हूँ राज की बात, इसमें भी केंद्रीय एजेंसियों का तीनों का आपस का तालमेल है और तीनों मिलकर के इसकी जांच करके जो निचोड़ तक पहुंचेंगी वो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। तो ये रिया चक्रवर्ती के ऊपर है कि इसको किस तरह से सुशांत के हत्यारों के पकड़वाने में सहायता करनी है, क्योंकि दोषी तो कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई राज रिया चक्रवर्ती जरूर छुपा रही है। ये ईडी और ये एनसीबी ये तो सहायक हैं, मेन खेल तो सीबीआई का है और वो सीबीआई अब मुंबई पहुंच चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में और ड्रग पेडलर में, नशे के कारोबार में एक छोटी सी मछली के रूप में रिया चक्रवर्ती बंद हुई थी, उसको जो है जेल हो गया था, तो आज उसको जो है कुछ शर्तों पे रिहाई मिली, कुछ शर्तों पे वो छूट गई है। तो इस तरह से कुछ लोग जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं बॉलीवुड के, उनमें जो है खुशी छाई हुई है, वो जश्न मना रहे हैं, और कुछ जो लोगों ने जो इतना एनसीबी ने इतना मेहनत किया था, कुछ लोगों में जो है मायूसी है कि इस तरह का इतने बड़े जो है रैकेट में और इस तरह से जो है संवेदनशील केस में जो है वो कस्टडी में आई थी, वो बाहर हो गई है, लेकिन कुछ शर्तों पे बाहर हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी, हमसे जुड़ रहे हैं। बहुत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से आज जो है एक मछली के रूप मछली जो है ये रिया चक्रवर्ती वो आज कुछ शर्त पे छूट गई है, तो वहाँ उधर बॉलीवुड में जो बड़े मगरमच्छ हैं वो खुशी मना रहे हैं, तो आप किसको लेते हैं? क्या ये फिर छूट जाएगी या दूसरी, अभी सीबीआई जांच चल रही है तो वो फिर जो है कस्टडी में आ जाएगी, तो क्या लगता है आपको, लोगों को मायूसी किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती अगर ये सोचती है कि वो किसी पैंतरेबाजी से या पैसे के बल पर वो छूट जाएगी तो वो सपना देख रही है। जो लोग उसके हितैषी हैं वो सोच रहे होंगे अरबों करोड़ों रुपए तुम्हारे पास हैं तो तुम रिया चक्रवर्ती को कानूनी पचड़ों से बचा पाओगे, तो ये आप भूल जाइए। हाँ, एक कानूनी प्रक्रिया है, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वो ईमानदारी से और सीधे रास्ते चलने वाली सरकार है। अगर कोई और सरकार होती तो अब तक किसी भी केस में लपेट के अंदर कर दिए होते, जितनी लोगों की भावनाएं सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लोगों की जुड़ी हुई है उसको देखते हुए, लेकिन ये कानून अपना काम कर रहा है और इस कानून में ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि तीन संस्थाएं ये मोदी सरकार ने इस जांच के लिए नियुक्त की हैं, जिसमें मुख्य रूप से ईडी और सीबीआई और एनसीबी, तो तीनों मिलकर के ये काम कर रही है और तीनों का अलग अलग काम है। जो एनसीबी है उसका काम तो ड्रग माफियाओं का पता लगाना है। अब ड्रग जो है इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई गांजा, चरस, अफीम ये कहीं भारत के एरिए से आई है। ज़्यादातर जो ड्रग हैं वो प्रतिबंधित ड्रग पकड़ी गई हैं बॉलीवुड में, और आप देखिए कि जिसमें सीबीडी ऑयल है वो इस तरह से है कि वो विदेशों से ही आता है, भारत में निर्माण नहीं होता, प्रतिबंधित है। तो ये जो ड्रग हैं इनके तार, पेडलर के ड्रग के तार और जो ड्रग आ रही है ये विदेशों से जुड़ा हुआ मामला है, और इसलिए थोड़ा कठिन है कि उन तक पहुंचा जाए जो लोग इसको सप्लाई में लगे हुए हैं। अब ये जितना ढीला ढवाली महाराष्ट्र की पुलिस ने की, मुंबई की पुलिस ने, उसके बाद बहुत दिन बाद ये केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में केस आया है, और तब तक बहुत टाइम मिल गया इन लोगों को कि ये अपने सबूत और गवाह ये सब खत्म कर सकें। रिया चक्रवर्ती बहुत शातिराना टाइप की लड़की है, ये भोली भाली शकल बनती है इसकी, लेकिन ये बहुत शातिर है। इसका शातिरपना देखो कि अपने को ये भोली बनकर किस तरह से पहले आ रही थी, मैं तो जी सुशांत को जानती नहीं, मैं तो ज़्यादा उसके साथ रही नहीं, फिर इसने किस तरह से मैनेज करा कि हॉस्पिटल मैनेज कर दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की पुलिस तक में इसकी पहुंच है, महाराष्ट्र की सरकार में इसकी पहुंच है, सब मैनेज करने के बाद इसने देखिए आज तक जैसा चैनल मैनेज किया और वहाँ अपने बात को किस तरह से इसने रखा, मतलब इसने पूरा 2 घंटे में सुशांत सिंह राजपूत को पूरा का पूरा ऐबी और पूरा का पूरा नशेड़ी साबित करने में ये कैसी माहिर है, भोला चेहरा बना के एक्टर है, एक्ट्रेस है ना, तो एक्टिंग कर लेती है अच्छी। तो ये सोच रही थी कि तू सारा इस सब ड्रामे को करके उसके बाद बच जाएगी। तो एनसीबी की भी अपनी एक कंडीशन है, कुछ बाउंडेशन है
कि वो जितना भी सबूत उन्होंने इकट्ठा किया है वो इकट्ठा करके उन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है, और कोर्ट ने वो सारा कुछ देखते हुए ठीक है इसको छोड़ा है, जमानत दी है, सशर्त जमानत है, ये सजा से मुक्ति नहीं है। ये जो खुश हो रहे हैं कि अब ये छूट गई तो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं जाएगी, ये छोड़ने के पीछे आपको बता रहा हूँ राज की बात, इसमें भी केंद्रीय एजेंसियों का तीनों का आपस का तालमेल है, और तीनों मिलकर के इसकी जांच करके जो निचोड़ तक पहुँचेंगी वो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, वहाँ तक उनको जाना है। मेन मकसद तो वही है ना जो जनता कह रही है कि भाई मेन मकसद तो है सुशांत के हत्यारों का पकड़ा जाना। जो प्रारंभिक जांच जो हुई है वो सीबीआई की जो शुरू हुई है वो कोई इसलिए थोड़ी हुई कि रिया चक्रवर्ती और जो और बॉलीवुड की हीरोइन हीरो हैं ये ड्रग कहाँ कहाँ बेचते हैं, किसको बेचते हैं, ड्रग की जांच नहीं हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, और मौत की जांच सीबीआई करेगी, तो सीबीआई को भी सबूत चाहिए, और इसलिए उसको सहायक सबूतों के रूप में कहां कहां पैसे का लेन देन हुआ वो ईडी पता करेगी, कौन कौन मौत के लिए जिम्मेदार हैं, कौन कब गया, किससे मिला, ड्रग कितनी मात्रा में कहां से आई, ये सबूतों के एक अंग हैं। तो अगर ये जेल में रहती तो इसको रिमांड पे सीबीआई भी ले सकती थी सीधे सीधे, लेकिन फिर वो कानूनी पचड़े में पड़ता कि भाई कोर्ट से आप किसी को जब जेल में बंद है वहां से आप कोई एजेंसी अगर उसको रिमांड पे लेना चाहती है तो उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया लंबी है और फाउंडेशन है। अभी क्या है, इसको जमानत दे दी है, अब ये फ्री कर दी है, अब इसको सीबीआई की टीम पहुंच ही चुकी है मुंबई, तो अब वो अगली जांच करने के लिए पहले सीबीआई बुलाएगी, और अब आप बताऊं सीबीआई को क्योंकि पहले से ही इससे कुछ जानकारियां चाहिए, वो पूछेगी, मैं आपको बता रहा हूं, वो पूछेगी रिया चक्रवर्ती पहले आप ये बताइए कि आपने झूठ क्यों बोला, अभी तो उस झूठ का खुलासा होना बाकी है कि आप कह रहे हो 8 तारीख के बाद मैं तो गई नहीं, और अब पता चल रहा आप तो 13 तारीख को भी साथ थी, जन्मदिन की पार्टी में आप साथ थी, तो आपका जब कोई स्वार्थ नहीं है, आप दोषी नहीं हो, आपका कोई लिंक नहीं है हथियारों से, तो आपने झूठ क्यों बोला, और इस झूठ का इसके पास उत्तर नहीं है, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती एनसीबी से जमानत पे छूट गई है, लेकिन सीबीआई के शिकंजे में फंसेगी, और आप देखना कल के बाद एक दो दिन के अंदर ही जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी सीबीआई की और वो प्रस्तुत करेंगे कोर्ट के सामने कि साहब ये जो है ड्रग मामले में तो है ही दोषी, जमानत पे छूटी है मतलब दोषी है, जो इसने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे लिए वो तो एक नजर में आ गए हैं क्योंकि वो यहीं पे कहां कहां खर्च हुए ये सब पता लग गया है, लेकिन अभी जो मेन बात पता लगनी है वो ये पता लगनी है कि रिया चक्रवर्ती ने जो ड्रग कंज्यूम की और सप्लाई की वो उसका पैसा इसने किस तरह से उन लोगों को दिया, क्योंकि इसका आतंकी कनेक्शन भी निकलेगा, तो ये पता ईडी को लगाना है, तीसरी एजेंसी इसमें ईडी है। जब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर लेगी और वो अपना चार्जशीट तैयार कर लेगी तो तीनों एजेंसियां एक दूसरे की तालमेल में हैं और ये कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा भैया ईडी वालों तुम पूछताछ कर लो, तो ईडी को भी पूछताछ करनी है, पहले भी कर चुकी फिर करेगी, और चौथी एजेंसी जो अभी तक मौन है कहीं आई नहीं है, अभी फिर जब ये तीनों निपट लेंगे ना उसके बाद एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि इसके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर जो हैं आईएसआई के एजेंट जो हैं जिनके नाम हमने पीछे खोले हैं, अनिल मुसर्रत जैसे लोग, टोनी अशाई जैसे लोग, असली तो वो खेल कर रहे हैं, और बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं, जिसमें चाहे सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार के भी फोटो उनके साथ हैं, तो फोटोएं साथ होने का तो बहाना कोई बात नहीं, किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अब उसमें एनआईए ये जांच कर रही है कि असली में कहीं कोई खेल ऐसा तो नहीं कि ये ड्रग का पैसा जो गया है वो आतंकियों तक पहुँचाया गया हो, आतंकी को कोई घटना करनी है, जैसा अभी उत्तर प्रदेश में भी खुलासा हुआ कि पीएफआई यूपी में दंगे कराना चाहती थी तो 100 करोड़ रुपया पीएफआई ने फंडिंग की है, मलेशिया से पैसा आया है तो मलेशिया से 50 करोड़ आए, अब हो सकता है कि इनके जरिए एक्टर और एक्ट्रेस के जरिए वो ड्रग का पैसा पीएफआई वालों को जाता हो, ये बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं, सारे के सारे एनजीओ के नाम पर ये देश को धोखा दे रहे हो और पैसा जा रहा हो देश के जलाने वालों को या देश के विरोध में काम करने वालों के लिए, तो ये काम एनआईए करेगी, तो रिया चक्रवर्ती आसानी से छूटने वाली नहीं है, और कब तक रहेगी देख लो मैं बता रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती अब जमानत पर छूट चुकी है, तो आपको सलाह दे रहा हूँ कि सीधे सीधे सीबीआई को खुद जाके बता दो
कि जी मैं जानती हूँ हत्यारों को कौन कौन थे, हम पार्टी से आए, वहाँ क्या घटना हुई और ये थे। तुमने तो गला नहीं दबाया, अगर तुमने नहीं दबाया तो बच जाओगी, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जिसने गला दबाया पकड़ा तो वो जाना है। तो आप उसका नाम जानती हो तो बताओ चुपचाप सीबीआई को, और नहीं बताओगी सोचोगी कि मैं बच जाऊंगी चालाकी से, कोई कह रहा हो आपको कि नाम मत बताना नहीं तो तू भी फंसेगी हम भी फंसेंगे। नहीं भाई, बचेगी बिल्कुल नहीं, एक एक जेल के अंदर जाएगा। तीन तीन एजेंसियां काम कर रही हैं, चौथी एनआईए वेट कर रही है, और इन सबके ऊपर जो बैठा है उसका नाम याद रखो, उसको कहते हैं मोटा भाई, अमित शाह नाम है, देश का गृह मंत्री, निगरानी केंद्र से हो रही है। कोई चांस नहीं है सेटिंग का, कोई चांस नहीं है बेईमानी होने का, कोई चांस नहीं है किसी अधिकारी के बिकने का। कोई कोशिश भी करेगा ना, जैसे एम्स के हुई है फॉरेंसिक हेड की बात कि वो बदल गया है, तो देखना वो भी जेल जाएगा। अगर उसने बयान बदला है किसी लालच में तो उसको भी सीबीआई रगड़े बगैर छोड़ेगी नहीं, लास्ट हो गया उसका, बहुत जांच उसने करी होंगी गड़बड़। लेकिन अब ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो केस है, ये हल्के में ना लेना कि वो एक छोटी सी किसी एक्टर की मौत है, नहीं, पूरे देश की भावना इससे जुड़ी हुई है, और इसलिए ये मांग उठने लगी है कि उस डायरेक्टर की भी जांच सीबीआई करे, तो वो भी जाएगा, और इसलिए कोई नहीं बचना। तो इसलिए ये सोचना बहुत ही एक भ्रम वाली स्थिति है कि कोई बच जाएगा, वो बच सकता है जो सरकारी गवाह बन जाएगा, उसकी सजा थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो रिया चक्रवर्ती, अगर तुम में थोड़ी बुद्धि है तो तुमने इतने दिन जेल में रही होगी तो बुद्धि की थोड़ी शुद्धि हो गई होगी, क्योंकि वहाँ चरस गांजा नहीं मिला होगा पीने के लिए, वहाँ दारू नहीं मिली होगी, तो इतने दिन में तुम्हारी बुद्धि कुछ काम करने लगी हो तो तसल्ली से सोचना कि जो कुकर्म तुमने करें, जो पाप तुमने करें, उसको प्रायश्चित करने का एक ही चांस है कि सुशांत के हत्यारों को पकड़वा दो चुपचाप, और यदि तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो तो बता दो कि जी मेरे से गलती हो गई, मैंने भी एक गला दबाने में हाथ लगा दिया था, चुपचाप बता दे, या टॉर्चर होके बताएगी या कैसे बताएगी, ये एजेंसियां तो पूछ के रहेंगी। तो ये रिया चक्रवर्ती के ऊपर है कि इसको किस तरह से सुशांत के हत्यारों के पकड़वाने में सहायता करनी है, क्योंकि दोषी तो कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई राज रिया चक्रवर्ती जरूर छुपा रही है। ये ईडी और ये एनसीबी ये तो सहायक हैं, मेन खेल तो सीबीआई का है, और वो सीबीआई अब मुंबई पहुंच चुकी है, तो रिया चक्रवर्ती के गले तक अब सीबीआई का हाथ पहुंचने वाला है।